नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और झारखंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस पेय पदार्थ ने अपनी स्वाद और महक से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया हो, आज हम उसकी मूल्यांकन पर चर्चा करते हैं कि उसका वैल्यूएशन कैसे तय किया जाता है, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। दोस्तों, चाय का मूल्यांकन वैल्यूएशन जो है एक कला है, एक विज्ञान है। तो आज हम इस कला और विज्ञान में डूब कर जानते हैं कि इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे कारकों पर निर्भर करता है इसका मूल्यांकन। तो दोस्तों, आज समझने की कोशिश करते हैं इस ब्लॉग के माध्यम से, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे कारक जो है निर्भर होते हैं इसकी वैल्यूएशन तय करने में, जैसे कि इसके क्वालिटी है, इसकी रेयरिटी है, दुर्लभता है, इसका जो है टेरिटरी ओरिजिन, इसका जहाँ कहाँ प्रोडक्शन हुआ है, इसका जो है मार्केट में डिमांड क्या है इस समय में, जो अब स्टेट या फैक्ट्री या कंपनी जो बना रही है चाय उसका रेपुटेशन क्या है, और काफ़ी सारे कारक। आज हम लोग सभी कारकों पे आज डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस ब्लॉग के माध्यम से, चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला कारक होता है दोस्तों आपका क्वालिटी। दोस्तों, जो चाय है, देखिए अलग अलग टाइप की चाय होती हैं। CTC चाय है, ऑर्थोडॉक्स चाय है, आपका ग्रीन टी है, आपका ओलोंग टी है, पोहर टी है, येलो टी, जो भी चाय है जितने भी प्रकार की, उनका वैल्यूएशन भी अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है और डिपेंड्स करता है कि वो किस प्रकार की चाय है और किस प्रकार से वो उत्पन्न हुई। तो देखिए दोस्तों, उसका क्वालिटी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है उसकी वैल्यूएशन पे, उसके मूल्यांकन पर, कि वो दिखने में कैसा है, वो लीफ दिखने में कैसा है, उसकी जो है पत्ती की बनावट कैसी, उसकी रोलिंग कैसी हुई है, उसका जो अपीयरेंस कैसा है, उसका जो है आपका लीकर कैसा है, उसका जो है इन्फ्यूज़न कैसा है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। उसका टेस्ट कैसा है, उसकी महक कैसी, अरोमा कैसा आ रहा है चाय के अंदर, उसका जो है जितने करेक्टरिस्टिक्स हैं चाय के जो हैं वो सब देखे जाते हैं। दोस्तों, अलग अलग चाय में अलग अलग करेक्टर्स होते हैं, तो वो सब देखने के बाद उसकी वैल्यूएशन जो उसका मूल्यांकन तय किया जाता है दोस्तों चाय का। सेकेंड है दोस्तों टेरिटरी एंड ओरिजिन, कि वो किस टेरिटरी में, किस ओरिजिन में वो चाय जो है पैदा हुई है, तो उसका वैल्यूएशन उसके आधार पर भी किया जाता है। ये भी एक मुख्य कारक है चाय के वैल्यूएशन तय करने के लिए कि किस ओरिजिन में, जैसे अगर दार्जिलिंग ओरिजिन में पैदा हुई है चाय, दार्जिलिंग रीजन में पैदा अगर चाय हुई है इंडिया के ओरिजिन में, तो काफ़ी महंगी चायों में से एक चाय होगी वो। जैसे आपका चाइना में यूजी इन अगर क्षेत्र में अगर चाय पैदा होती है तो काफ़ी महंगी चाय पाई जाती है। आसाम में भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे अगर चाय पैदा होती है तो काफ़ी महंगी चायों में से वो चाय मानी जाती है। तो इसलिए क्योंकि वहाँ की जलवायु का, वहाँ की जो है सॉयल का, जो क्लाइमेट है, उसका पूरा असर पड़ता है चाय पे। तो उसका मूल्यांकन करने के लिए ये भी देखा जाता है कि ये किस ओरिजिन टेरिटरी से ये उत्पन्न हुई चाय है, तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों, तीसरा बड़ा फैक्टर है दोस्तों आपका कि रेयरिटी और प्रोडक्शन लिमिटेशन अगर है, वो चाय एक ऐसी चाय है जिस जो रेयर ही उत्पन्न होती है, बहुत कम क्वांटिटी में उत्पन्न होती है, या सीजनेबल ही वो चाय बनती है, तो नॉर्मल सी बात है कि वो चाय महंगी होने वाली है। जैसे वाइट टी है दोस्तों, काफ़ी कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है चाय का और एक सीजन में ही उसका उत्पादन किया जाता है, तो ये चाय काफ़ी महंगी चाय होती है दोस्तों। फोर्थ होता है दोस्तों उसका जो कारक होता है, वो होता है कि टी का जो प्रोसेसिंग है वो किस प्रकार से किया गया है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से किया गया है, उसका प्रोसेसिंग की जो कला है वो किस प्रकार से उसे जो पूर्ण किया गया है, तो ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है चाय के मूल्यांकन पर, कि चाहे उसका प्लकिंग हो, उसका विदरिंग हो, उसका रोलिंग हो, उसका ऑक्सीडेशन हो, चाहे उसकी ड्राइंग हो, इन सब चीज़ों को कितना केयरफुली तरीके से अपना रोल अदा किया गया है, कितना ध्यान रखा गया है इस चाय को बनाने के लिए, तो पूरा प्रोसेसिंग यूनिट इस पर जो है ध्यान देता है और उसका मूल्यांकन उसी चीज़ पर निर्भर भी करता है दोस्तों, कि चाय का वैल्यू जो है उसका प्रोसेसिंग टेक्निक्स पर भी निर्भर करता है कि किस, अगर वो हैंडमेड चाय है तो दोस्तों महंगी चायों में से एक चाय होने वाली है, तो काफ़ी चाय है जो हैंडमेड हाथ से बनाई जाती हैं, जिसमें मशीनों का कम प्रयोग किया जाता है, तो वो चाय महंगी चायों में से एक चाय होती है दोस्तों। इस प्रकार से भी जो है उसका मूल्यांकन किया जाता है चाय का। नंबर 5 है दोस्तों, 5th नंबर है मार्केट का डिमांड, जो मार्केट में किस चाय का, पर्टिकुलर चाय का डिमांड क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है चाय के मूल्यांकन में। आजकल तो जो है आपका ऑक्शन के अंदर जो है बीडिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है कि बीडिंग किस प्रकार से रही चाय की मूल्यांकन, ये सब चीज़ें जो है चाय के मूल्यांकन पर जो है काफ़ी असर डालती हैं। नंबर 6 है दोस्तों रेपुटेशन एंड ब्रांडिंग, कि वो किस टी एस्टेट से है वो चाय, और किस, अगर किसी रेपुटेड टी कंपनी ने वो चाय को बनाया है, जिसने भूतकाल में, जिसने पास्ट में अपने अच्छा प्रोडक्शन करके दिया है आज तक,
और अच्छा उसका जो रेपुटेशन है, उसका ब्रांड ब्रांडिंग अच्छा हुआ हुआ है। आजकल तो पैकेजिंग भी निर्भर करती है कि पैकेजिंग मटेरियल आपने कैसा इस्तेमाल किया है, तो इस पर भी चाय का मूल्यांकन निर्भर करता है। तो दोस्तों ये हमने आज करीबन करीबन 6 कारक जाने जिन पर जो है चाय का मूल्यांकन किया जाता है, और स्टोरी टेलिंग का भी इफेक्ट पड़ता है चाय के मूल्यांकन पर, कि आपका स्टोरी टेलिंग, कहानी कहने का तरीका, उससे की कहानी जुड़ी हुई है, कोई स्टोरी जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई उस टी एस्टेट से, पर्टिकुलर उस चाय से, तो ये भी उसका मूल्यांकन तय करता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने करीबन 6 कारक जाने कि चाय का मूल्यांकन किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आपके कमेंट में लिख करके आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका लाइक हमारा हौसला बढ़ा देता है अगला वीडियो बनाने के लिए, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता रहे। बेल आइकन दबा दीजिएगा, हिट कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आता रहे जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।